नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने जो स्टूडेंट्स के लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 में। दोस्तों तो इसका जो हमारा थर्ड पॉइंट था उससे आगे चलते हैं हम। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है रेनिसा पीरियड, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। ये जो पीरियड था दोस्तों वो 14th, 15th और 16th जो सेंचुरी थी उसमें स्टार्ट हुआ था दोस्तों। इसमें जो रोमन एम्पायर जो था, ओल्ड रोमन एम्पायर और ग्रीक था, उसकी वैल्यू, उसके कल्चर को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश। और दोस्तों इस पीरियड में जो था हमारे पास रैशनलिज्म था, जैसे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि रैशनलिज्म क्या है, व्हेन यू थिंक विद माइंड रादर देन इमोशंस और रिलीजियस फीलिंग, यू नो। और डेवलपमेंट भी बहुत हुई दोस्तों, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका आना भी शुरू हो गया और नई नई ईजादें की गई। उसके बाद कॉलोनियलिज्म जो साम्राज्यवाद था, जैसे कि ब्रिटिश एम्पायर रहा, और भी कई जो देश थे यूरोप के जैसे फ्रांस है, पुर्तगाल है, वो भी इस कॉलोनियलिज्म की रेस में शुरू हो गई, जिसकी वजह से दोस्तों राइबेलरी पैदा होनी शुरू होगी, क्योंकि दौड़ मच गई नई नई बस्तियां खोजने की, नई नई कंट्रीज़ खोजने की, जिनको कि गुलाम बनाया जा सके या अपना जो एक पावर है उसको जो इंक्रीज़ हो गई थी उसको यूज़ किया जा सके। उसके बाद जो इसमें नेशनलिज्म भी आना शुरू हो गया, बड़ी बसी बात है, जो यूरोप की कंट्रीज़ थी वो अपने अपने तरह से संगठित होना शुरू हो गई, अपने अपने बारे में सोचने लग पड़ी, अपने देश को आगे ले जाने के बारे में सोचने लग पड़ी। और उसके बाद जो है जितनी डेवलपमेंट हुई, जितना पैसा जनरेट हुआ, जितनी सोसाइटी अपग्रेड हुई, तो उन्होंने सोचा कि फुल पावर दी जाए सोवरेन को, यानी कि स्टेट को फुल पावर, गवर्नमेंट को फुल पावर दी जाए, ताकि वो जो एक संगठित रूप में और बहुत अच्छे तरीके से काम कर सके, देश की तरक्की कर सके, कॉलोनियां बना सके, डेवलपमेंट कर सके। जो राइवलरी पैदा हो गई है यूरोपियन कंट्री में एक दूसरे के प्रति, जैसे होड़ जो मच गई है उसमें हम सुप्रीम बन सके, तो वो चीज़ जो थी उन्होंने करना। चर्च डोमिनेंस एंड, जो जब ये रैशनलिज्म आया तो बड़ी ऑब्वियस बात है चर्च की जो डोमिनेंस है वो कम हो गई, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है इसको कंसीडर किया जाता है, दैट इज़ द बेसिस ऑफ द नेचुरल अथॉरिटी। तो इस पीरियड में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी उसको कंसीडर किया गया कि ये जो बेसिस है वो है नेचुरल लॉ थ्योरी की। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है दोस्तों? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो ऐसा माना जाता है कि इसकी जो फर्स्ट आदमी था जिसने इसको प्रपाउंड किया था, जिसने इसको बनाया था, वो था ग्लूकॉन। और जो इसका विवरण मिला था, यानी कि जो इसका राइटिंग में जो मिला था, वो प्लेटो के जो द रिपब्लिक था, एक उनका वर्क था, यानी बुक थी जिसका नाम पब्लिक था, रिटन बाय प्लेटो, उसमें लिखा गया था। और उसके बाद दोस्तों जो अभी जो हमारा रेनिसा पीरियड था, इसमें थॉमस होब्स का बहुत इम्पैक्ट रहा, कि थॉमस, ऐसा माना जाता है कि थॉमस होब जो थे उन्होंने इसको दोबारा से रेनिसांस या इनका पुनर्जागरण किया इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या था दोस्तों? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर यह माना जाता था कि सोसाइटी जो थी शुरू में जो थी वो ऐसी सिस्टमेटिक नहीं थी जो आए थी। पहले हम जंगली थे, या हम पहले हम उतने संगठित नहीं थे, हम कबीलों में रहते थे, या छोटे छोटे झुंड बना के, या अकेले रहते थे, या एक बड़ी डिजर्टेड लाइफ जीते थे। तो फिर हम आहिस्ता आहिस्ता संगठित हुए, हमने सोसाइटी बनाई, फिर सोसाइटी बनाने के बाद जब हमने धन संपदा जोड़ना शुरू कर दी, तो हमने सोचा कि अब हमारा एक शासक होना चाहिए, फिर हमने शासक को चुना। तो वो सब जो चीज़ें हैं, एक प्रोसेस है, यानी हम सिंपली वे में कहें कि एक प्रोसेस है जहाँ से मनुष्य जानवरों से अलग होके एक मनुष्य बनने की तरफ उसने कदम उठाया और उसने सिस्टमेटिक होने की कोशिश की। वही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुए, पहले सोसाइटी के बीच में हुआ आपस में कि भाई ठीक है हम सोसाइटी बनाएंगे, आप मेरा सम्मान करेंगे, मैं आपका सम्मान करूंगा, मैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए ड्यू रिगार्ड रखूंगा, आप मेरी प्रॉपर्टी के लिए ड्यू रिगार्ड रखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब हमें एक सोवरेन की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट की ज़रूरत है, या रूलर की ज़रूरत है, वो भी बनाएंगे हम। और फिर एक सिस्टम बन गया, मतलब कि ठीक है वी विल लिव पीसफुली एंड वी विल सब्जेक्ट आर सेल्फ, कि हम अपने आप को एक ऐसे शासक या सोवरेन या संप्रभुता संपन्न एक जो हमारा शासक है उसके नीचे, उसके झंडे के नीचे काम करेंगे। तो ये जो दोस्तों तरीका था, इसके बारे में अलग अलग तरह से अलग अलग फिलोसफर ने अपने अपने व्यूज़ दिए उस पर। तो इसमें जो हमारे दो पैक्ट्स हुए थे, दो समझौते जो हुए थे, उसको कहा जाता है पैक्टम यूनिनिस। पैक्टम यूनिनिस दोस्तों याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसमें पहला समझौता किया गया कि प्रोटेक्शन करेंगे लाइफ एंड प्रॉपर्टी की एक दूसरे की। जैसे मैंने कहा कि समाज जो था हमारा पहले था, जो हम कह सकते हैं कि जंगली थे हम, तो हमारा जो अनसिस्टमेटिक वे था जीने का उसको तोड़ने के लिए हमने क्या किया? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पहला हमने समझौता ये किया, जिसे कह देते हैं पैक्टम यूनिनिस, कि हम एक दूसरे की लाइफ की ड्यू रिगार्ड करेंगे और प्रॉपर्टी को भी एक दूसरे की ड्यू रिगार्ड करेंगे। उसमें सोसाइटी इमर्ज, इससे क्या हुआ? सोसाइटी बनना शुरू हो गई, लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू कर दिया। और नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है पैक्टम सब्जेक्शनिस, इसमें क्या हुआ दोस्तों? पीपल सरेंडर देयर फ्रीडम राइट, लोगों ने क्या किया? अपने राइट जो हैं उनको सरेंडर कर दिया, और वो किसको दे दी? सोवरेन को दे दिए, या फिर गवर्नमेंट को दे दिए, या रूलर को दे दिए, कि भाई ऐसा है कि हमारे में थोड़े कन्फ्लिक्ट पैदा हो रही हैं, इसलिए हम आपको अपॉइंट कर देते हैं कि आप हमारे ऊपर शासन करो और हमें
गाइड करो। ये दो याद रखिएगा दोस्तों, दोनों पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पैक्टम यूनियनिस एंड पैक्टम सब्जेक्शनिस। ठीक है जी, देखिए इनके जो वर्डिंग है उससे ही पता चलता है कि क्या है पैक्ट, ठीक है ना, पैक्ट कॉन्ट्रैक्ट, यूनियनिस, यूनियनिस मतलब इकट्ठा होना, यूनियन, पैक्टम सब्जेक्शनिस, पैक्ट अगेन सब्जेक्शन, सब्जेक्ट हो जाना किसी के, टू बी सब्जेक्टेड, किसी के नीचे हो जाना, दूसरे को अपने ऊपर करना कि भाई ठीक है आप हमारे ऊपर रूल करिए। तो वो जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं, इनके जो वर्डिंग है इससे ही पता चलता है। तो एक था अपने बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा था एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि किया गया शासक से कि भाई आप हमारे ऊपर रूल करिए। तो ये जो चीज़ें थी दोस्तों, ये सब जो थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थी। उसके बारे में अब राइटर देखते हैं वो क्या क्या कहते हैं जो ग्रोटिस थे। पहले सोवरेन शुड बी ओबेड इवन इफ, जब ग्रोटिस से पूछा गया कि भाई आप कहते हैं कि दो समझौते हुए, तो दो समझौतों में अगर मान लीजिए जो सोवरेन है हमारा, जो सेकंड समझौते में सोवरेन बनाया हमने, गवर्नमेंट बनाई है, अगर वो गलत तरीके से काम करती हैं, जब वो काम नहीं करती है जिस जो उससे एक्सपेक्टेड था, तो फिर क्या होगा। तो उसने कहा कि ही शुड बी ओबेड, उसको मानना पड़ेगा, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, चाहे वो बुरा ही क्यों नहीं है, इवन इफ इज़ बैड, अगर वो बुरा भी है तब भी आपको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। और इन्होंने फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी की थी ग्रोटिस ने अपनी थ्योरी के जरिए। उसके बाद दोस्तों थॉमस हॉ, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया दोस्तों, इन्होंने क्या कहा कि आइडिया ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, यानी कि आदमी जो है वो अपने आप को प्रिजर्व करना चाहता है, अपने आप को सुरक्षित करना चाहता है, अवॉइड मिजरी एंड पेन, और जो दुख तकलीफ है उससे बचना चाहता है, ही डिजायर सोसाइटी, इसलिए उसने सोसाइटी बनाई। इनका कहने का मतलब था कि वो दुख तकलीफ से बचना चाहता था, वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहता, इसलिए उन्होंने क्या कहा हम सोसाइटी बनाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, जो हमारी प्रोटेक्शन एक दूसरे के जरिए ज़्यादा हो गई। तो ये इनका सोचना था। इंटर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और एब्सोल्यूट, पर ये थे एब्सोल्यूट, थॉमस हॉब्स जो थे वो एब्सोल्यूटम थे, वो कैसे, सब्जेक्ट हैज़ नो राइट, इन्होंने कहा कि जो सब्जेक्ट हैं यानी कि जो लोग थे जिन्होंने समझौता किया अपने सोवरेन से, उनको कोई राइट नहीं है, दे आर विदाउट राइट, उनके पास सिर्फ एक ही राइट है, दैट इज़ फॉलो द ऑर्डर। और उसके बाद इन्होंने एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन है, उसकी जो अथॉरिटी है बिल्कुल एब्सोल्यूट है, यानी इन्होंने कहा कि वो जो है उसकी अथॉरिटी का पालन जो है जो उसके सब्जेक्ट है जो लोग हैं उनको करना पड़ेगा, और उनके पास कोई चारा नहीं है। और इन्होंने कहा दोस्तों कि सोवरेन जो है उस पर थोड़े से ऑब्लिगेशन जरूर है लॉ की, बट दे आर मेयर फॉर्मेलिटीज, अदरवाइज ही इज़ द सुप्रीम एंड ही इज़ द पावरफुल। तो ये जो उनकी थ्योरी थी रिलेटिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। उसके बाद जो लॉक थे, लॉक ने क्या कहा, इन्होंने कहा नेचुरल लॉ वाज गोल्डन एज बट प्रॉपर्टी वाज इनसिक्योर, पर उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी थी वो इनसिक्योर थी, दैट्स वाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना। तो इनका कहना था कि जो प्रॉपर्टी थी यानी कि जो धन संपदा थी हमारे पास वो इनसिक्योर थी, इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया। तो ये अपने अपने विचार हैं। आगे फिर लॉक ने क्या कहा था, सर मैन डज नॉट सरेंडर ऑल राइट, उन्होंने कहा कि मैन जो आदमी था उसने सारे राइट्स सरेंडर नहीं किए, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द राइट्स, और जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी है उनको प्रोटेक्ट करे, गवर्नमेंट कैन बी चेंज द फील्ड्स। और इसमें इन्होंने ऐड कर दिया, हॉब्स ने कहा था कि वो एब्सोल्यूट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट सॉवरेन रूलर जो भी है रूल कर रहा है अगर वो फुलफिल नहीं करता है उनके एक्सपेक्टेशन को तो उसको चेंज कर देना चाहिए। तो लॉक्स व्यू लीड टू द पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, ये जो लॉक का व्यू था यहीं से पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई दोस्तों। और फंडामेंटल राइट्स को भी इन्होंने तरजीह दी, और लेजिस फेयर यानी कि फ्री कंपटीशन इन द मार्केट उसके भी ये समर्थक थे। तो ये सब कुछ जो था लॉक ने कहा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों रूसो थे, इन्होंने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट कोई हिस्टोरिक मूवमेंट नहीं थी, ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर मूवमेंट पे कोई ऐसी कोई घटना हुई कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था, बट हाइपोथेटिकल, पर ये अपना ही मनगढ़ंत बनाया विचार है। बिफोर दिस कॉन्ट्रैक्ट ह्यूमन लाइफ हैप्पी, इन्होंने कहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी ह्यूमन लाइफ हैप्पी थी, मैन सरेंडर देयर राइट्स नॉट टू सिंगल सोवरेन, और आदमी जो है उसने अपने राइट्स जो है कुछ किसी सिंगल सोवरेन को नहीं सरेंडर किए हैं बट टू द कम्युनिटी, पर उन्होंने कम्युनिटी को सरेंडर किए हैं, विच रूसो कॉल जनरल विल। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल विल की थ्योरी जो कि रूसो ने कहा जनरल विल है, यानी कि अब देखिए जनरल विल क्या है, पीपल्स विल, ठीक है जी, यानी कि सोवरेन को नहीं किए थे, किसको किए थे, जनरल विल, अपने आप को ही किए थे। जनरल विल क्या है दोस्तों, ड्यूटी ऑफ एवरी मैन टू ओबे जनरल विल, हर किसी की ड्यूटी है कि वो जनरल विल को ओबे करे जो कि आपस में सहमति बनी, बिकॉज ही इज़ इंडायरेक्टली ओबेइंग हिम, कि ऐसा करने से अगर वो जनरल विल को मानते तो वो अपने आप को ही मान रहा है, यानी कि अगर हम सब मिलके कोई सहमति बनाते हैं तो हमारा फर्ज है कि हम उसको फॉलो करें, और ऐसा जब हम करते हैं तो हम अपनी सहमति को ही एक्चुअली फॉलो कर रहे होते हैं। लॉ एंड स्टेट बोथ आर सब्जेक्ट टू जनरल विल, उसने कहा कि लॉ और स्टेट दोनों सब्जेक्ट हैं जनरल विल का, इससे ऊपर नहीं है, एंड कैन बी ओवरथ्रोन, और उसको फेंका जा सकता है, यानी इसको अप्रूव किया जा सकता है। तो लॉ एंड स्टेट बोथ आर सब्जेक्ट टू जनरल विल, यानी कि दोनों जो हैं वो लोगों की इच्छाओं को नीचे हैं, एंड कैन बी ओवरथ्रोन, उनको कभी बदला जा सकता है, यानी कि लॉ को चेंज किया जा सकता है, स्टेट को भी
बदला जा सकता है, ठीक है ना, ओवरथ्रो स्टेट का यह मतलब है गवर्नमेंट को बदला जा सकता है। तो रूसो स्ट्रेस्ड ऑन कम्युनिटी दोस्तों, तो रूसो ने क्या बात की है दोस्तों, विल थ्योरी यानी कि इंटरेस्ट कम्युनिटी की बारे की है उसने, पूरी जनरल विल की बात की है कि हम सब जो है वो एक कम्युनिटी की तरह रहें, हमारी जो जनरल विल है वो हमसे ही ओरिजिनेट होती है और ऐसा करके हम अपना ही जो एक विल है उसको फॉलो करते हैं रादर देन इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल नहीं है, उन्होंने सोसाइटी की बात की, ही फेवर पीपल्स सोवरेनिटी, उन्होंने पीपल की जो संप्रभुता है उसको फेवर किया दोस्तों। तो थॉमस होब जो थे वो एब्सोल्यूट होने की बात कर रहे थे, जो कि स्टेट या सोवरेन जो है उसकी सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे, और रूसो जो थे वो सोसाइटी पीपल जिसको जनरल विल कहा उन्होंने उसकी बात कर रहे थे, दोनों में डिफरेंस है। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट नंबर 2 ऑफ लेक्चर 4, और आगे मिलते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 3 में बहुत ही जल्दी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू।